नमस्कार दोस्तों, आज मीनाक्षी लेखी पंजाबी बाग क्षेत्र में हैं, तूफानी दौरे पर हैं अपने, आज चुनावी रैली कर रहे हैं। ये जानते हैं सबसे पहले तो मैम, 2014 और 2019 क्या फ़र्क देख रहे हैं इसमें? 19 में बहुत अधिक सपोर्ट है और 14 में मैं नहीं थी, पर 19 में मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, पहचानती हूँ और सब लोग मेरे काम से भी परिचित हैं। तो अंतर ये है कि पहले एक थोड़ा सा कि हाँ महिला कैंडिडेट है, स्वच्छ छवि वाली है, उतना भर था, लेकिन आज वो बल्कि खुद ही कहते हैं कि ये महिला पुरुष का अंतर नहीं है, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है और इस पे हमें पूरा भरोसा है। मैम, जब हम आम लोगों से बात कर रहे हैं तो जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे तो शायद आपको नहीं मोदी जी को नाम पर ज़्यादा वोट मिले थे, तो अब क्या कहेंगे 2019 में आपको और मोदी जी को? 50-50 गए 10 में से, तो कितने वोट आपने अपने बढ़ाए हैं उसके? मैं आपको एक क्लियर करना चाहती हूँ कि मोदी जी तो हमारे सर्वोपरि नेता हैं और उनके कहने पर तो उनकी छवि पर तो हमको वोट मिलता ही है और उसका लाभ इस बार भी हमको मिलने जा रहा है। इन एडिशन आपको खाली एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ, पिछली बार 38-40% जो है पूरी दिल्ली की सीटों के ऊपर वोट परसेंटेज थी, हमारी सीट पर मेरे हक में 52% लोग थे, तो इस बार तो जमानत जब्त होनी है। मैम, दो सवाल हो रहे हैं मेरे। मैम, केजरीवाल जी को क्या कहेंगे, जो कांग्रेस को समर्थन उन्होंने मांगा और जो मिला नहीं, कितना इसमें चुनावी फायदा होने वाला है इस बार? देखिए, हम चुनावी फायदा नुकसान नहीं देखते, हम तो ये जानते हैं कि हमें अपनी क्षमता पर, ताकत पर पूरा भरोसा है, जो काम हमने 5 साल किया है और एक एक व्यक्ति के पास जाकर, घर जाकर हमें मालूम है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान उन लोगों का है क्योंकि कांग्रेस के ही वोटों को ब्रीच करके और कुछ अन्य लोगों को ब्रीच कर तो आम आदमी पार्टी बनी थी, आज उनकी अस्तित्व की लड़ाई है कि वो पार्टी बचेगी भी या नहीं। मैं एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी ने खेद जताया, आपने अभी दोबारा लगाया जिसका भी अभी सुनवाई बाकी है, तो माफी मांगने पर क्या आपने जो आधी लड़ाई है, जो चुनाव की जो आधी लड़ाई शायद एक तरफा कर देंगे, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, मैं चुनाव के लिए ये काम नहीं किया था, ये काम कोई अवमानना कर रहा है। आपको समझना होगा कि मैं हूँ तो वकील ही ना, अंदर से तो जो DNA है वो वकील वाला है और जो DNA है उसके मुताबिक कोर्ट के बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना अवमानना का केस बनता है और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर लोगों के बीच में अपनी छवि दिखाकर वोट प्राप्त करना चाहता है, जिसको संवैधानिक संस्थाओं के मान सम्मान की चिंता ना हो या वो ऐसा सोचता हो कि मैं जो कहूँगा वही होगा, सब लोग मेरे अधीन है, तो वो गलत है। तो उसको एक आदर्श स्थापित करने के लिए ये काम किया कि राजनीति में इस तरीके की भाषा, इस तरीके के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। लास्ट में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अपना वोट इस प्रकार से दें जिस प्रकार से ना केवल ये आपका अधिकार है बल्कि वोट आपका कर्तव्य है और देशभक्ति भी है, और उसी देशभक्ति का आप परिचय दें, जाकर 12 तारीख को वोट डालें, सही कैंडिडेट को चुनें और भाजपा को पूर्ण रूप से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, से बात कर